Students, welcome to maths class. Today again we are continuing with the same chapter, linear equations in one variable. Today's learning outcome means after watching this video you will be able to solve practical problems stated in words. So let's see how to solve word problems. The first step is formation of an equation. सबसे पहले मुझे इक्वेशन को बनाना है. चलिए देखते हैं हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन. बाय रीडिंग द गिवन प्रॉब्लम एंड नोट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड. सो सबसे पहले बेटा हमें जो स्टेटमेंट दी होगी उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि हमें उस स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है और क्या हमें चाहिए, क्या मांगा गया है उसमें. नेक्स्ट स्टेप इज राइट द अननोन क्वांटिटीज बाय एनी लेटर फ्रॉम ए टू जेड. जो भी हमें फाइंड आउट करना है, जो अननोन क्वांटिटीज हैं, उनको हम सपोज करेंगे और उनको हम प्रेजेंट करेंगे बाय एनी ऑफ द लेटर फ्रॉम ए टू जेड लाइक एक्स वाई जेड एटसेट्रा. देन ट्रांसलेट द स्टेटमेंट ऑफ गिवन वर्ड प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट. आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दी होगी आप उसको स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकली लिखेंगे. After forming an equation, you have to solve that equation and the final step is get the solution. So let's start worksheet 2 based on word problems. Question 1 is adding 4 to twice a number yields 25 by 6. Find the number. मुझे क्या find out करना है? Number. तो बेटा जो चीज मुझे फाइंड आउट करनी है वो हम सपोज कर लेते हैं. लेट द नंबर बी एक्स. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें कि उस नंबर का ट्वाइस करें और उसमें फोर ऐड करें. तो ट्वाइस करते हैं और उसमें फोर ऐड करते हैं. जैसा उसने कहा उसको ट्रांसलेट करते हुए हम मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे. 2x plus 4 yields 25 by 6. तो वो क्या देता है हमें? 25 by 6. तो ये हमारी इक्वेशन रेडी है. तो चलिए इसे सॉल्व करिए. 2x equal to 25 by 6 कांस्टेंट टर्म उस तरफ चले जाएंगे minus 4. राइट साइड को सॉल्व करिए. 25 एलसीएम 6 माइनस 24. सो यू हैव 2x इक्वल टू 1 बाय 6. दैट इज 2x इज 1 बाय 6. मुझे तो x चाहिए. जो x 2 इधर मल्टीप्लाई में है उधर आके डिवाइड. तो 6 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 1 बाय 12. सो देयरफॉर नंबर x हमने क्या सपोज किया था? इनिशियली हमने x सपोज किया था नंबर. तो नंबर क्या मिला मुझे? देयरफॉर नंबर इज 1 ओवर 12. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 45. फाइंड द नंबर. मुझे नंबर फाइंड आउट करना है. तो बेटा उसी तरह कि जो नंबर फाइंड आउट करना है उसे पहले सपोज कर लीजिए, बाद में देखते हैं हमें कंडीशन क्या गिवन है. लेट द नंबर बी एक्स. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन गिवन है इसको पहले ट्रांसलेट करिए. अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, वो नंबर जो हमने सपोज किया जब हम उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. चलिए 4 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने. 4x exceeds itself, तो अपने आप से ही वो कितना आगे हो जाता है. means 4x minus x उन दोनों का डिफरेंस क्या है? 45. I'm going to repeat. A number when multiplied by 4 exceeds itself by 45. नंबर को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मींस 4x, वो अपने आप से कितना आगे हो जाता है? 45. मींस उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 45. तो चलिए
इक्वेशन हमारी रेडी है, हमने ट्रांसलेट करके मैथमेटिकल इक्वेशन बना ली। अब इसे सॉल्व करिए, 4x माइनस x गिव्स यू 3x, 3x इक्वल टू 45, दैट इज x इक्वल टू 45 ओवर 3, 3 जो इधर मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड, क्या देगा 15। सो x इज, x की वैल्यू क्या मिली 15, x हमारा क्या था नंबर जो हमने सपोज किया, जो हमें फाइंड आउट करना था, सो द देयरफॉर नंबर इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू नंबर्स इज 72, इफ वन नंबर इज 6 मोर देन द अदर फाइंड द नंबर्स। मुझे दो नंबर्स का क्या दिया हुआ है सम, कितना दिया हुआ है 72, और उन दो नंबर्स का क्या रिलेशन दिया हुआ है, जितना एक है दूसरा उससे 6 ज्यादा है। इफ वन नंबर इज 6 मोर देन द अदर, तो मुझे वो नंबर्स फाइंड आउट करने बेटा। सो लेट हम मान लेते हैं एक नंबर क्या है, लेट वन नंबर बी एक्स, अगर एक को मैंने एक्स माना है तो देयरफॉर अदर नंबर क्या होगा अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, देयरफॉर अदर नंबर बी दूसरा क्या है उससे 6 ज्यादा, दैट मीन्स x प्लस 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर्स का सम कितना दिया हुआ है हमें 72, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाइए, क्या बनी x प्लस 6 इक्वल टू 72। नाउ जस्ट सॉल्व इट, x प्लस x इट इज 2x इक्वल टू 72 माइनस 6, जो 6 है उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, सो दैट इज 2x इक्वल टू इट इज 66। हमें तो x चाहिए, तो x इक्वल टू 66 बाय 2 कैंसिल होगा 33, सो देयरफॉर x इक्वल टू 33, x हमने क्या सपोज किया था एक नंबर, सो देयरफॉर नंबर्स आर, एक तो आ गया मेरे पास 33 और दूसरा क्या है 33 प्लस 6, तो 33 प्लस 6 गिव्स यू 39। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, जितनी ब्रेड्थ है लेंथ उससे 20 ज्यादा है। इफ द पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर, हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे दिया हुआ है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, मीन्स मुझे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। सो बेटा हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है लेंथ और ब्रेड्थ में, कि लेंथ 20 ज्यादा है किससे ब्रेड्थ से, तो चलिए हम ब्रेड्थ को सपोज कर लेते हैं, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स सेंटीमीटर, सो देयरफॉर इट्स लेंथ इक्वल टू 20 ज्यादा है, मीन्स x प्लस 20 सेंटीमीटर। हमें दिया क्या हुआ है उनका पैरामीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बेटा रेक्टेंगल का, यस ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये किसके इक्वल दिया हुआ है 100। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ कितना है इट इज x प्लस 20 और ब्रेथ कितनी है x, दिस इज इक्वल टू
100, that is twice of, ब्रैकेट को सॉल्व करिए, लाइक टर्म्स ऐड करिए, x प्लस एक्स 2x प्लस 20 इक्वल टू 100। बेटा अब जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड है, जब इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में, 2x प्लस 20 इक्वल टू 100 बाय 2, सो वी हैव 50। चलिए बेटा बाकी पार्ट मैं यहां पे सॉल्व कर रही हूं। सो वी हैव 2x प्लस 20 इक्वल टू 50। तो मुझे कांस्टेंट टर्म में दूसरी तरफ ले जाऊंगी, 50 माइनस 20 हो जाएगा, इट इज 50 माइनस 20, सो 2x इक्वल टू 30। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x फाइंड आउट करना है, जो 2 इधर मल्टीप्लाइड में है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सो 30 बाय 2 गिव्स यू 15। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली है, 15। x हमने क्या सपोज किया था, ब्रेथ, सो देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और लेंथ क्या थी, x प्लस 20 एंड लेंथ इज इक्वल टू 15 प्लस 20 दैट इज 35 सेंटीमीटर। टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल आर ईच 2 सेंटीमीटर मोर देन Thrice the third side. So, बेटा इस सेंटेंस में उसने आइसोसेलस ट्राइंगल की बात की है। आइसोसेलस ट्राइंगल कौन सा होता है, इन विच टू साइड्स आर इक्वल। सो हम मान लेते हैं दीज टू साइड्स आर इक्वल, सो ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेलस ट्राइंगल। अब देखो इंफॉर्मेशन क्या है कि दो इक्वल साइड्स जो हैं आइसोसेलस ट्रायंगल की वो 2 ज्यादा हैं, किससे, थ्राइस द थर्ड साइड। दो इक्वल साइड्स की बात की है तो बाकी जो बची दैट इज द थर्ड साइड, वो थर्ड साइड हम मान लेते हैं x है, तो बाकी की जो दो इक्वल साइड्स हैं वो कैसे हैं, थ्राइस द थर्ड साइड मींस 3 टाइम्स, थ्राइस मींस 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स द थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर मोर मींस प्लस 2। तो दूसरी भी साइड कितनी है बेटा, इट इज ऑल्सो 3x प्लस 2। तो चलिए अब हम यहां पे लिखते हैं, लेट द थर्ड साइड बी 8 सेंटीमीटर, right? So therefore other two equal sides are equal to 3x plus 2 centimeter each. According to question, चलिए अब देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। इफ द पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 67 सेंटीमीटर, बेटा यहाँ पैरीमीटर की बात की है और पैरीमीटर क्या होता है, ये सम ऑफ ऑल साइड्स, वो कितना हमें दिया हुआ है 67 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होगा हमारे पास, द फर्स्ट टू इक्वल साइड्स 3x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 एंड थर्ड साइड ऑल्सो सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स इक्वल टू 67। चलिए अब इसे सॉल्व करें, लाइक टर्म्स ऐड करिए, 3x प्लस 3x 6x प्लस 1x दैट इज 7x प्लस कांस्टेंट टर्म 2 प्लस 2 4 इक्वल टू 67, सो दैट इज 7x इक्वल टू 67। बेटा कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले जाइए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 4, सो दैट इज
7x equal to 63. तो यहाँ पे मेरे को पास 7x की वैल्यू है, मुझे चाहिए x. तो x किसके इक्वल होगा? 63 by 7, that is 9. So we have x equal to 9. तो x हमने क्या सपोज किया था? थर्ड साइड. So therefore, three sides are, क्या मिली बेटा? फर्स्ट साइड हमें मिली है 9, x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर. बाकी अदर टू साइड्स क्या है? 3x plus 2. तो 3x plus 2 देखिए क्या बनता है, इट इज 3x plus 2. x के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे? 9. 3 into 9 plus 2, 3 9 27, 27 plus 2, that is 29. बेटा ये हमने रफ में फाइंड आउट कर लिया. सो वी हैव 29 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज ऑल्सो 29 सेंटीमीटर. सो थ्री साइड हमारे पास आ चुकी है. दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर दैट हाउ टू ट्रांसलेट द स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप इन टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड सॉल्विंग इट. नाउ यू मे सॉल्व the assignment questions easily. Thank you.